किस पाकिस्तानी कॉलर बोलो। हाँ जी बसी साहब, मेरा जरा ज्ञान है तेरे तीन चार ब्याह हम उसे पाकिस्तानी बंदे कराते उन्होंने अलाउड है लीगली, इस करके पुलिस का कोई हेल्प नहीं कर सकती। डिवोर्स से सारा चक्कर एक छड़ के दूए ने ब्याह कराना एक कल्चर आ पाकिस्तान के विच, इसे बचना बहुत औखा है। नहीं पर वो कहने कि 20 साल मेरी उम्र है तो 40 साल का मेरा हसबेंड है हुण करेगी, शी वांट एडवाइस, थोड़े तो एडवाइस चाहती है, कल्चर वक्री गल है। पर ये लड़की जी पाकिस्तान के इस वे 8 सिस्टर ने तो एक भरा है, हाँ जी एडवाइस ये होगी तो इस बंदे ने मैं लगता है कैनेडा लैके नहीं आना आईडिया की, जे जे इमीग्रेशन किस तरह नहीं पता के लै होंगी तो लै लवे, नहीं तो अपना रिलेशनशिप एंड करके अपना होर कित देखे चंगे जाए। मोशन आप सुन रहे हैं क्या, आपको समझ पा रही है? ओके नंबर थ्री कॉलर है, आप क्या कहना चाहते हैं अपने नजिश जो मोशन को, ये उर्दू जानते हैं थोड़ी थोड़ी, तुसी हिंदी पंजाबी मिक्स कर सकते हो, वो समझते हैं? हाँ नंबर थ्री आप पंजाबी समझ लेते हैं मोशन थोड़ी सी? अच्छा नंबर थ्री कॉलर, हेलो सर से पहले प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया लॉन्ग टाइम यू कॉल, आई नो लॉन्ग टाइम, बट हाँ जी मैं कहना चाहिए उन्होंने बहुत बैड फील करते हैं बेचारी, इन्होंने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कसूर है, देख लें दे अपनी बेटी कितना है हम जितना बड़े सोने लग रहे हैं, पढ़ी लिखी है यंग एवरीथिंग है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, पर इन्हें वो हम हो गया हमने हाले भी यंग है, इन्होंने अपने फ्यूचर बारे सोचना चाहिए है, जो इन्होंने हसबेंड है छद दें लाइक सारा फिनिश कर दें अपनी बच्चा नहीं ले सकते प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल डिवोर्स कर देना चाहिए राइट वे बच्चे की नहीं भाजी गल होंगी हम कई कह लो लव मैरिज भी होंगे सारा कुछ ठीक होंगे नहीं बच्चा होंगे कुदरती गल होंगी राइट, पर यह तो भाई है गलत है, एक देख लो उम्र इनी जा रही, दूजा इन्हें ट्रीटमेंट चंगी नहीं लाइक बेइज्जती करता है तंगी दिंदा है, पहली वाइफ ने भी बहुत तंग किया, सो ए आर रीजन पहले दो वाइफ है तीजी वाइफ है या तो फिर उन्होंने ठीक हो थोड़ा बिहेव किया इन्ना भी ठीक हो भाई गलत है, इन छेती तो छेती छद दे गां अपनी लाइफ ना सोचे तो कोई नहीं चंगी गल है, मेरी बच्चा नहीं इना को बिकॉज जे बच्चा होंगे फिर बंद हो जाना सी भैरे आदमी के नाम भाई ठीक नहीं गलत है। थैंक यू सो मच। नंबर सिक्स कॉलर बोल गए जी बोलिए जी वासी साहब, यह केड़ा कानून है वैंता लगता नहीं है, यह कानून कोई होगा भी जेड़ा औरतों को हक ना दे सके भी उसकी जमीन आ भी जी प्रॉपर्टी उन्होंने हिस्सा ना मिल सके, अक्सर उन्होंने मैरिज करवाई है हिस्सा तो मिल सकता उन्होंने प्रॉपर्टी चो जी। हाँ बोलिए अपने नजम नजस बोलिए जी 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 सर, पाकिस्तान कानून है हस्बैंड की डेथ हो जाती हिस्सा मिल सकता है अदरवाइज कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं 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 मतलब तो यह है ना भी औरतों ब्याह करा लो पाकिस्तान च भी उन्होंने छोड़ दो बस उन्हों का कोई हक नहीं है औरतों की कोई सुनवाई नहीं है पाकिस्तान के इतने ही कानून है लेकिन मेरे अबू जी ने हक में भी 5000 रुपया ही लिखाया अभी हक में भी नहीं लिखाया कुछ भी नहीं किया कुछ भी उन्होंने सानू दिता सी लेकिन सर मैं बसना चाहनी हूँ बसना होंगे थोनू बुला लेंदा जब उन्हें बसना ही नहीं है मैं तो लगता वासी साहब जी पहली घर वाली है रह रहे कैनेडा दे विच नहीं नहीं होर ओके नजिश अब अकेला है या किसी और वाइफ पर है किसी और लेडी के साथ रह रहा है? सर जी पहला उन्होंने शादी की थी उन्होंने वो ने मेरी कजन ने शादी की थी उन्होंने वो छोड़ दिया सी उन्होंने मेरे हस्बैंड नो ओके उन्होंने वो शादी की थी हूँ फिलहाल वो अपने भाई के नाल अपनी भैनों के नाल
रह रहे हैं कैनेडा विच एडमंटन च। तीसरी शादी का, तीन शादी हो चुकी है, चौथी की तलाश में है वो, चौथी शादी करेगा वो। अब वो बंदा थोड़ी है जी, परमात्मा भी देखता उपर, जे अज किसी नाल करदा कल उहदे नाल भी होनी है जी। मैं तीन शादी कर चुका और बच्चे दे योग नहीं है वो, और आई डोंट नो शी स्टिल, तुसी हाले भी लाइक करदे हो उहनूं नजिश? सर लाइक नहीं, सिर्फ मां बाप की ते इज्जत जांदी है। पैने पैने सलाह दवा एक, मूव हो जा तू। She's already live in India, Pakistan vich ne, oh aadmi ta Canada vich hai. Baaki da vyah ta hor kara sakdi hai na. Haan, you right. Najish, log keh rahe hain ki aap shaadi aur kar le. Sir, isne itna ye thi sab kuch tha, isne qadar nahi ki to dusra koi kya karega. ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਭੈਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨੀ ਖੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਸਭ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। थैंक यू सो मच। नंबर फोर कॉलर प्लीज। नंबर फोर कॉलर, हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सिर साहब, प्लीज लाइन नो मॉनिटर क्लियर करो प्लीज। हाँ जी हाँ जी, बस ये रवा है अभी इन्होंने ना जो ब्याह हों जो काजी जो निकाह करता उन्होंने पुछता भी ब्याह है अच तू कबूला कबूला भाई इन्हों का की रेट से जाके तीन फोन पे को कह रही तलाक तलाक तीन तलाक तलाक हो जाते हम तुम दसो ये बेचारे की कर सकते हैं फिर उदो जरा भी दूजी बहस आ नहीं सकते उसे आप ब्याह नहीं करा सकते ना जिस जे चाहे कोई लैके नहीं करता जी बंदा जीरो पहला का जिहदा ब्याह हो चुका और बहुत खून हुआ पुठे पासिया दे लवे ना जी ऐसे है कि और आदमी आपके साथ ब्याह नहीं करा सकेगा। सर ये नहीं है, शादी करवाने को तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो और तीन मंथ के बाद तुम लाइक हमारी फैमिली में एक है बड़े रिश्ते शादी कर लेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं अब क्या करनी है बस। so, आपने शादी करनी नहीं है किसी के पास? पाकिस्तानी कॉल करे दसे कानून की, आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तानी साडा कॉलर कॉल करे। हाँ जी, नंबर थ्री कॉलर प्लीज। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साहब जी। हाँ, की कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहांगा जी, देखो तुसी जांजा टपती बहुत जिहड़ी ते घट आ जे उह बंदा इहनूं लगाणा ही नहीं चाहुंदा बार उहदे पिछे लग के अपनी जिहड़ी आउण वाली जिंदगी उहनूं खराब करना तो बेहतर है कि पासे हो जाए, क्योंकि उत्थे दी पुलिस है जिहड़ी ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੈ कनाडा के कौन से शहर में है मालूम है आपको? एडमंटन रह रहे हैं। एडमंटन में रह रहे हैं। आपके भाई के साथ रह रहा है, उसकी सिस्टर भी वहाँ है जी, उसका भाई है बड़ा, उसके साथ उसकी सिस्टर है, उसकी दो सिस्टर की दो बेटियां हैं, वो सारे उधर इकट्ठे रहते हैं। तो आप जो इसकी पहली वाइफ है वो क्या है, वो कहाँ रह रही है? टोरंटो में है, वो कहाँ है? वो भी एडमंटन में ही है, वो अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। सो वो बात हमारे साथ कर सकती है? सर हाँ, वो अभी अभी नहीं कर सकती, वो बात आपसे कर लेगी। ओके, आपकी बात होती है उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ? सर मेरी होती तो नहीं है, लेकिन कभी कभार अंदर में कभी बात हो जाती है, लेकिन उसकी सिस्टर से मेरी है बात होती है। आपने कभी पूछा नहीं है कि आपके साथ कैसे सलूक करता था, मेरे पास कैसे कर रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है? सर वो बताती थी सबको, वो तो सबको बताती थी, मैंने तो कभी बताया नहीं था ना किसी को,
वो तो साथ साथ सबको बताती थी कि ये मेरे से बड़ा मिसबिहेवियर करता है, मुझे मारता है सर, गालियां बड़ी देता है और इतना गंदा बोलता, उसको बोलना भी नहीं आता सर। नजीस ये शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह करता है सर? पहले करता था, जब अब मेरे से शादी हुई तब तो नहीं करता था। आई सी। नंबर फोर कॉलर हरमनदीप लाइन पर है, की कहना चाहेंगे? मजाक न करो किसी की चीज है, बाईस साल की है, इन्हां नूं लोड़ आ हेल्प दी लोड़ आ, जे पुलिस राही सिफारिश पवा के ना काम हो जाए तो वधिया हो सकता। वैसे काम क्यों तुसी बच्चे वाली गल करते हो, तुसी कर सीरियस होंदे किसे लई, किस जिंदगी दी ऐसी प्रॉब्लम है जो सांझी करी है रेडियो ते आ के, तुसी बच्च कैप्टन ले आ रहे हो, बच्च कोई रुसन ले आ रहे हो, इह जिहियां गल्लां जिहड़ियां ने इह चंगी लगदे सोभदियां नहीं, और तुसी सियाणे साडे कॉलर हो, और विद रिस्पैक्ट असीं तुहाडी कॉल नूं अटेंड करदे हां। सो मेरी बेनती है, मैं अपने गुरपीत जी तुहानूं भी कह चुका, थोड़े ध्यान दिओ कॉलर वल, क्योंकि इह शो किसे बच्ची दा सवाल है, क्योंकि यह चीजा जी नॉनसेंस ने, क्योंकि इस बारे में एक कोई लड़की है बड़ी ट्रबल है बेचारी, और असी नजिस जे होल्ड कीजिए, मैं कॉल करा हूं कम्युनिटी को, एक पाकिस्तानी साडा कोई श्रोता है जो घर में सबको वाच कर रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी वाला को कॉल करे, हम कुछ जानना चाहते हैं कानून क्या है, लॉ क्या है कि लड़की की जे की शादी हो गई है दोबारा शादी कर सकती है या नहीं कर सकती, बी डॉट नो कॉल कर, और टीम लीव तो असं हाजिर है, गो हैड जी। जी बासी साहब, सारे सुनने वाले श्रोतियों को दसना चाहूंगी, इस बार आप एक बहुत एक्ट लेके आए हैं, सिंगल डिटैच कार रिचमंड हिल। हाँ जी, नंबर फोर कॉलर और लड़की नजम लाइन चाहिए जी। हाँ जी बासी साहब, सत श्री अकाल जी, की कहना चाह रहे तुसी? हाँ जी, देखो मैंने समझ नहीं लग रही, हिंदी समझ रहे, उर्दू समझ रहे, समझ रहे? हाँ तुसी हिंदी उर्दू पंजाबी कोई भी गल कर सकते। चलो मैं उर्दू ची गल कर देना जी। देखिए पहले तो बात ये है कि इनकी एज है 22 years और उस बंदे की एज है 41 years, और आपने मैरिज की है उसके साथ, मैं इन्हीं को ही मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ कि आपने शादी की है, आपको अभी उसके बारे में पता भी चल गया है कि वो बंदा बिल्कुल सीरियस नहीं है, पहले उसकी दो शादियां हो चुकी हैं और उसमें भी उसने कोई अपना पति का रोल नहीं निभाया, लाइक शोहर का रोल कोई इसने निभाया नहीं है। लेकिन मेरे को अभी तक ये बात नहीं समझ लग रही, आप इतने एजुकेटेड हो, आपने बीएससी की हुई है, मे बी अक्षय आप जैसे बोल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आगे मे बी आप मास्टर्स कर रहे होंगे, तो आप उस बंदे से फिर भी क्यों सोच रहे हैं कि अभी भी आपने उससे वो आपको या तो यहाँ पे बुलाया, अगर नहीं बुलाता तो आप फिर भी उस निकाह को रखना चाहते हो, आप तलाक नहीं लेना चाहते, मेरे को इस बात की समझ नहीं आ, पहले इसको क्लियर करेंगे? जी सर, क्लियर करूंगी। हाँ जी बोलिए। सर पहली बात तो ये है कि रिश्ता मेरे बाबा करना ही नहीं चाहते थे, मेरी फैमिली और मैं, और लेकिन ये फैमिली जो थी, रिश्तेदार थे कैनेडा वाले सारे, इन सब ने मिल के बड़ा मेरे बाबा को कहा कर ले, तो जब हो गई है, सबको पता चल गया है कि हो गई है, 2 साल हो गए हैं और इतना 4 मंथ वो मेरे साथ रहे हैं, और मैंने वो मुझे कॉल करते थे, नहीं करते थे, जो भी कहते थे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, मैं निभाना चाहती थी। वजह ये थी कि मेरे अब्बू जी की इधर जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे एक इज्जत है, और लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बच्ची ने पता नहीं गलत थी या क्यों छोड़ा है, या अब हम जानते हैं ना, हमने तलाक लेनी है, लेकिन किसी को तो नहीं पता, लोग बातें करते हैं तरह तरह की। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मुझे कुछ नहीं देता था, फिर भी मैं खर्चा मेरे अब्बू जी ही करते हैं, मैंने कभी उसे नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहती थी उसका इसलिए एहसास करती हूँ, उसके ना माँ बाप हैं और उसकी बहनें हैं, उनको भी किसी की कोई परवाह नहीं है, बस वो अकेला है, और कल उसका पाँव खराब है, कल को पाँव कट जाता है उसकी, कहीं पे शादी अगर मैं छोड़ देती हूँ, कहीं पे वो नहीं भी करता या नहीं भी होती, तो वो सर वो कहते हैं ना यतीम है और वो जलील होके मर जाएगा सर, उसका कोई वाली बात नहीं है। मेरी बात सुनो, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो, वो आपके बारे में बिल्कुल, उसमें मतलब एक, चलो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो डिफरेंट है, उस बंदे के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उसमें एक ह्यूमिलिटी भी नहीं है कि भी वो आपको इसके बारे में सोचे, और आप अपनी सिर्फ सोसाइटी क्या कहेगी उसके चक्कर में कि आपकी जहाँ पे इज्जत है, और वो आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को, या आपके भाई बहन को क्या कहेंगे, आप उस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब करना चाहते हो।
आप मेरे को ये बताएं, इन सिर्फ सोसाइटी की वजह से कि आपकी इज्जत का, वो बंदा जो सीरियस नहीं है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, वो आपका फोन नहीं उठा रहा, वो आपको आपने जैसे बताया कि आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करता है, आपको मारता पीटता है, फिर मेरे को अभी तक ये एक रीजन सिर्फ इसलिए कि आपके आपके वालदान की, आपके अब्बू की, आपकी अम्मी की एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप उस चीज को बचाने के लिए आपके अपनी लाइफ सारी खराब कर देंगे। आप 22 साल की हैं, आपके पास तो बहुत लाइफ पड़ी है, यू आर यंग गर्ल। सर मैं अपने जिंदगी में जब इसके साथ मेरी शादी हो गई थी तो मैं ये ख्वाब था कि मैं कुछ बनूं और इसको भी संभालूं और खुद भी, लेकिन सर इसने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना इज्जत ना कुछ भी समझा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका एहसास इसलिए करती हूँ कि कल को इसको कोई संभालने वाला नहीं है और अपने माँ बाप की इज्जत को भी देखती हूँ। और हम लास्ट कॉलर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस लड़की का मतलब मैंने स्टोरी थोड़ी सी सुनी है, इसको क्या करना चाहिए कि इसको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, ये कनाडा में आई है, पाकिस्तान थोड़ा ही है, ठीक है, तो कनाडा में हर बंदा आजाद है अपनी मर्जी से जो कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान में है यार, पाकिस्तान में है, हाँ पाकिस्तान से बात कर रही है कि इसका हस्बैंड कनाडा में है, इसको ना बाला रहा है ना इनको इसको सपोर्ट दे रहा है, यही प्रॉब्लम है ना, ये पाकिस्तान में जाते हैं शादी कर लेते हैं फिर इधर आ जाते हैं, इधर और रखी कोई होती है, प्रॉब्लम तो ये है ना, इनको और कोई तरीका नहीं है, तो ये गरीब बंदे है ना, तो कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया, अभी कोई क्या कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में ये कुछ और कदम उठाएगी पाकिस्तान वाले उनको बुरा बुरा करेंगे, उसको इसको पकड़ लेंगे, उसके जो उसके जो हस्बैंड है उसके भाई पकड़ लेंगे उधर, फिर क्या होगा? I'm sorry, we don't know. Thank you so much. Najesh, मैं हम कोशिश करेंगे कि आपके हस्बैंड के साथ बात करके, थैंक यू सो मच, वेट फॉर अवर कॉल। पूरी अमेरिका में जी किसी भी स्टेट, हाँ जी हाँ जी बोलिए नजेश, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इधर भी मतलब बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स से अलाउ इजाजत लिए और आपके शो में आई हूँ, और मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे लेकिन फिर भी आई हूँ, मैं बहुत मजबूर होके आपसे बात की है, वरना कोई भी इज्जतदार लोग इस तरह टीवी में या इस तरह प्रोग्रामों में नहीं आते, इसलिए किया है कि अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता ना तो उसको आप कोई ऐसा सिस्टम करके पाकिस्तान भेज दें, यहाँ पे कानून है ना, औरत की चलती है ना, लेकिन वो गलत कर रहा है, मसलसल गलत कर रहा है और हर किसी के साथ गलत कर रहा है, पहला उसका हक था कि वो मुझे बुलाता, उसने नहीं बुलाया, तो अब वो ऐसे तो कर सकते हैं ना कि वो अब पाकिस्तान आए, हम बहुत इधर पाकिस्तान में रह लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो सर को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए ये जो हर किसी की माँ बहन बेटी के साथ गलत करता है, गाली गलौज करता है और बहुत तंग करता है सर। I understand your feeling, I'm very sorry. और ऐसी कोशिश करेंगे कि आपके हस्बैंड के साथ बातचीत करें, उसके बाद में आपको कॉल करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत बहुत मेहरबानी।